तो बच्चों, कक्षा नंबर 9 के जो चैप्टर नंबर 2 अपने पढ़ रहे थे, ऋषि क्रांति, उसका हमने जो लगभग पॉइंट्स जो कवर कर लिए हैं, लास्ट के दो पॉइंट रहे हमारे स्टालिनवाद व सामूहिकीकरण, और नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो वैश्विक प्रभाव क्या रहा रूस की क्रांति का, पूरे विश्व पर प्रभाव कैसा रहता है, उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह है स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। स्टालिनवाद सामूहिकी। अब देखिए, स्टालिनवाद का मतलब क्या है कि जो हमने पढ़ा था, लगातार अपने पढ़ते आ रहे हैं, क्रांति से पूर्व एक नाम था व्लादिमीर लेनिन, वो कौन किसको संभाल रहा था, बोल्शेविक पार्टी को संभाल रहा था, ठीक है। अब उसका सक्सेसर, उत्तराधिकारी कौन बनता है बोल्शेविक पार्टी को संभालने का, वह बनता है स्टालिन, ठीक है। अब इसके स्टालिन के काल में जो प्रभाव रहता है, जो कार्य उसके द्वारा किए गए, वो स्टालिनवाद के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा, सामूहिकीकरण उस समय या स्टालिनवाद के समय का सबसे विस्तृत या सबसे भावुक या कह सकते हैं सबसे व्यस्तम जो टॉपिक था वह सामूहिकीकरण था, क्योंकि ये जो सामूहिकीकरण की योजना है वो स्टालिन स्वयं लेके आया था और इसने इसको लागू करने का कार्य किया था। तो देखते हैं यह सब कुछ कैसे होता है, शुरू करते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। हमारा जो पॉइंट है उसके अंदर क्या है, जो चर्चा आपने करेंगे वो चर्चा रहेगी 1927 टू 1928, इस समय से शुरुआत करते हैं अपने। इस समय के अंतर्गत क्या होता है कि जो नियोजित अर्थव्यवस्था, जैसे हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था सामाजिक समाज का निर्माण, उसमें पढ़ा था कि केंद्रित अर्थशासन होगा जो नियोजित व्यवस्था बनाकर, पांच वर्षीय योजना बनाकर लक्ष्य की पूर्ति करने का कार्य करेगा, यह हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, इसमें क्या है, जो नियोजित अर्थव्यवस्था शुरू की गई थी उसके शुरुआती दौर में क्या है, खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ स्टालिनवाद का समय है, यानी सामूहिकीकरण से खेती पर प्रभाव, या इसके कारण, सामूहिकीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी, जैसा कि मैंने बताया था कि औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कीमतें निश्चित कर दी थी, ठीक है। और किस चीज़ की कर दी थी, बाकी सभी चीज़ों की भी और अनाज की भी, ठीक है। अब अनाज की क्या आ चुकी थी कमी, इस समय क्या आई, अनाज की कमी। इसके कारण क्या है, किसान स्वयं का अनाज निम्न कीमतों या निश्चित की गई कीमतों पर बेचना नहीं चाहते थे,
क्योंकि किसानों को क्या है नुकसान होने वाला था, फसल अच्छी नहीं हुई जिसके कारण क्या है अनाज खराब हुआ और अनाज की कमी या अनाज का संकट सामने नज़र आ रहा था। 1928-27 के आसपास क्या है रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर अनाज बेचना नहीं चाहते थे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। यानी अब क्या है स्टालिन अपना कार्य शुरू करता है कि वह किस प्रकार की नीति से समस्या का सुलझाने का प्रयास करता है। ठीक है, समस्या सामने थी हमारे कि एक तो अनाज का संकट सामने है, शहरों में अनाज पहुंच नहीं रहा है और किसान जो है वो अनाज बेचना नहीं चाहते हैं। अब जो स्टालिन था उसका मानना था, उसकी क्या विचारधारा थी कि जो बड़े भूस्वामी हैं, जमींदार हैं या व्यापारी हैं, व्यापारी ये क्या कर रहे हैं अनाज का भंडारण कर रहे हैं और बेचना नहीं चाहते। क्यों नहीं बेचना चाहते? ताकि कीमतें ज़्यादा प्राप्त हो सके। यानी एक प्रकार से क्या है स्टालिन का मानना था कि व्यापारी वर्ग जो है वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना चाहता है, अनाज का भंडार करके रख रहा है, या बड़े जो किसान हैं या बड़े जो भूस्वामी हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि अनाज का भंडार करके रखेंगे और जब कीमतें ज़्यादा मिलेंगी, जब कीमत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी, अनाज का रेट अच्छा मिलेगा, तब वह ज़्यादा रेट में वह अनाज बेचेंगे। ठीक है, यह स्टालिन का क्या है अपना स्वयं का मानना था, यह उसकी एक विचारधारा थी। ठीक है, एक्चुअल में ऐसी स्थिति थी या नहीं वो अपने जानते हैं, लेकिन स्टालिन का मानना ऐसा ही था और स्टालिन इसी विचारधारा के अनुरूप क्या है इस समस्या का हल सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए वह क्या करता है स्थिति पर काबू पाने के लिए पहले तो वह क्या सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना शुरू करता है। ठीक है, एक तो वह क्या करता है सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास के अनाज को जब्त करना, ये दो कार्य उसने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, समस्या का हल निकालने के लिए सबसे पहले दो कार्य यह किए गए। उसके बाद 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। दूसरा कार्य क्या किया गया, पार्टी सहयोगियों द्वारा अनाज उत्पादक क्षेत्रों में केंद्र दौरा किया गया। अब दौरा जब उन्होंने किया, इसका जांच पड़ताल की, ठीक है, कि ताकि पता चले उनको कि वास्तव में अनाज का उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या किसान वास्तव में झूठ बोल रहे हैं कि अनाज की कमी आ रही है। ठीक है, तो दूसरा कार्य किया गया, यानी दो कार्य कर दिए गए थे, एक प्रकार से तो तीन हो गए। ठीक है, लेकिन वो एक ही साथ किया गया था कि सट्टेबाजी पर अंकुश और अनाज पर जब्त करना। तीसरा कार्य उन्होंने क्या है किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे। तीसरा कार्य क्या किया गया, किसानों से जबरन अनाज खरीदा, कुलकों के
ठिकानों पर छापे मारे। अब देखो एक वर्ड आया हमारे पास कुलक। कुलक का मतलब होता है बड़े भूस्वामी या बड़े किसान। रूस के अंदर बड़े किसानों को या बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता है? कुलक कहा जाता है। ठीक है, अब कुलकों के यहाँ पर उन्होंने छप्पा मारा संपन्न किसानों को के ऊपर। ठीक है, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों में सामूहिकरण का फैसला लिया गया। ठीक है, अब जो चौथे नंबर पर कार्य किया गया था वह था खेतों का सामूहिकीकरण। चौथे नंबर पर जो कार्य किया गया था वह क्या था? खेतों का सामूहिकीकरण। ठीक है, तो अनाज की कमी लगातार बनी रही। इस कमी को दूर करने के लिए अब स्टालिन के पास जो आखिरी रास्ता उसको नज़र आया वह था खेतों का वह सामूहिकीकरण कर दे, जिससे क्या है, अनाज की पैदावार ज़्यादा हो, ऐसा उसका सोचना था। ठीक है, इस फैसले के पक्ष में कई एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है जो हमने पढ़ते हैं कि अब खेतों का सामूहिकीकरण क्यों किया जा रहा था। एक तो क्या है, अनाज की कमी लगातार बनी रही। ठीक है, चाहे कुलकों के यहाँ से अनाज छापा मार कर निकाला गया, चाहे व्यापारियों का अनाज जबरन वसूल कर लिया गया, चाहे किसानों से जबरन अनाज खरीद लिया गया, लेकिन अंत जो उपाय था वह था सामूहिकीकरण। अंतिम उपाय सामूहिकीकरण था, और इसके लिए जो तर्क दिया गया था वह तर्क यह था कि छोटे खेत होने के कारण, छोटे छोटे खेत होने के कारण क्या हो रहा है, उत्पादन व औद्योगिक, एक तो क्या है, उत्पादन कम हो रहा है। ठीक है, दूसरा खेत छोटे होने के कारण औद्योगिक कृषि संभव नहीं थी, क्योंकि औद्योगिक कृषि के अंतर्गत हमारे पास क्या होता है, अपने क्या है, मशीनों के द्वारा खेतों में कार्य करवाते हैं, और अनाज की पैदावार क्या है, बड़े स्तर पर, बड़े जो मैदान होते हैं वहाँ पर अनाज बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है मशीनों के द्वारा। लेकिन अभी हमारे पास क्या था कि छोटे छोटे खेत बन चुके थे, तो औद्योगिक कृषि संभव नहीं थी, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी। इसके कारण क्या है, स्टालिन को यह विचार अच्छा लगता है। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी, जैसा कि हमने पढ़ा, फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा था। यह समस्या थी आधुनिक खेती के सामने, और आधुनिक खेती विकसित करने के लिए क्या है, एक तो औद्योगिक खेती करने के लिए मशीनों की सहायता और कुलकों का सफाया करना ज़रूरी था। ठीक है, सामूहिकीकरण के लिए किसका, कुलकों का सफाया। कुलकों का सफाया का मतलब क्या था कि बड़े जो किसान थे या संपन्न किसान थे उनसे अब क्या किया जाएगा, ज़मीनें छीनी जाएंगी। और ज़मीनें छीनी जाएंगी तो फिर क्या है, उन कुलकों को या संपन्न किसानों को तो बेचारों को बुरा लगेगा ही। ठीक है, और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना ज़रूरी हो गया था। यानी ज़मीनें कुलकों से तो छीन ली जाएगी, किसानों से छीन ली जाएगी, और राज्य नियंत्रित विशाल खेत बनाना आवश्यक
ताकि अनाज की कमी की समस्या को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ठीक है, विशालकाय खेत बनाना अब जरूरी थे। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू होता है और अपने पहुंच जाते हैं 1929 में, यानी 1927-28 तक क्या है, अनाज का संकट चलता रहता है, जिसके कारण यह कार्यक्रम उसको शुरू करना पड़ता है। 1929 से क्या है, पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। 1929 में सभी किसानों को कोल खोज यानी सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दिया गया। सामूहिक रूप से खेतों में काम करने का उनको आदेश दे दिया गया। कोल खोज क्या है, सामूहिक खेत, कोल खोज यानी सामूहिक खेत। ठीक है, ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व को में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे के सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था, यानी काम सारे किसान करेंगे और जो मुनाफा आता था वह भी क्या है, सभी में बांट दिया जाता था। लेकिन क्या है, इससे जो किसानों की आय थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई। जो किसान पैसा कमा रहे थे पहले, उसके मुकाबले क्या है, अब जो सामूहिक रूप से खेती उनको करनी पड़ रही थी उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कमी उनकी आय में लगातार दृष्टित हो रही थी और वो अपने परिवार का भरण पोषण भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि अब क्या है, उनके सामने समस्या यह आ रही थी कि सामूहिक रूप से सभी में बंटवारा हो रहा था फ़ायदे का, मुनाफे का, जिसके कारण क्या है, सभी को फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इसके कारण क्या है, किसान गुस्से में आते हैं और गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को लगातार मारने लगे। 1929 से लेकर 1931 तक क्या है, मवेशी धन या कह लीजिए पशुधन में भारी कमी आई। क्योंकि विरोध को दर्शाने के लिए क्या है, किसान अपने पशुओं को ही, मवेशियों को ही मारना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्योंकि वैसे भी क्या है, कोल खोजों में काम करते समय क्या है, जो मवेशी या पशु थे उनका कोई फ़ायदा उनको नहीं मिल रहा था। सामूहिकीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सज़ा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को क्या है, निर्वासन या देश निकाला दे दिया जाता था। ठीक है, जिसके कारण मतलब समस्या का सुलझाने के बजाय उनको क्या है, समस्या के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाने का कार्य स्टालिन सरकार अब लगातार कर रही थी। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। किसान जो थे वो ना ही तो समाजवाद के दुश्मन थे, ना ही वो क्या है, सामूहिक खेती के दुश्मन थे। बस वो क्या है, बहुत से कारण थे, जैसा कि मैंने बताया, उनकी आर्थिक स्थिति स्वयं की कमज़ोर हो रही थी, परिवार का भरण पोषण सही से नहीं कर पा रहे थे। तो इन सभी कारणों के कारण क्या है, वो कहाँ पर कार्य नहीं करना चाहते थे, इन कोल खोजों में कार्य नहीं करना चाहते थे। हालाँकि वो समाजवाद के विरोधी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। यानी अब स्वतंत्र जो किसानी जारी रखने दी थी स्टालिन सरकार ने, उसको कोई खास सुविधा नहीं दी गई थी। बजाय इसके क्या है, लगातार उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिए गए थे। जो स्वतंत्र किसान थे, स्वतंत्र रूप से किसानी करना चाहते थे, खेती करना चाहते थे, उन पर क्या है, लगातार समय समय पर क्या है, कर बढ़ाते गए, जिसके कारण जो स्वतंत्र किसान थे वो अब कर्ज में डूब चुके थे और उनकी स्वयं की भूमि जो थी वो स्वयं की न रहकर कोल खोज के हिस्से में जाती रही लगातार। क्योंकि इतना ज़्यादा कर भर पाना एक नॉर्मल किसान के लिए पॉसिबल नहीं होता था। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको एक समय के लिए स्वतंत्र जरूर छोड़ दिया, लेकिन बाद में उनकी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया।
जो सरकारी कर थे उनके द्वारा, ठीक है। अब कोलखोजों में काम करने वालों के ऊपर कर नहीं थे तो उनकी आय अच्छी नहीं थी, अब अगर किसान की आय थोड़ी अच्छी थी तो उन पर कर बहुत ज़्यादा लगा दिए गए। तो स्टालिन सरकार जो थी वो किसानों का क्या है, एक प्रकार से दमन कर रही थी, ठीक है। जब बजाय इसके कि किसान समाजवाद के विरोधी नहीं थे, लेकिन फिर भी अब क्या है, किसानों को समाजवाद का विरोधी बताया जा रहा था और उनको क्या है, समाजवाद का विरोधी बताकर लगातार उनको सजा देने का कार्य कर रहे थे। सामूहिकीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930-33 तक क्या है, खराब फसल हुई। 1930 से लेकर 1933 तक सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था, सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल इस कार दौरान पड़ा, और इसके कारण क्या है, तकरीबन 40 लाख लोगों की मृत्यु, अनाज की कमी के कारण, लगातार अकाल पड़ने के कारण और किसानों पर भारी कर होने के कारण या सामूहिक खेती के कारण उनको ज़्यादा आय न होने के कारण क्या है, लगातार 40 लाख लोगों की मौत मात्र 3 वर्षों के अंदर हो गई, जो क्या है, बहुत बड़ी संख्या है इंसानों की मौत के लिए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भरम और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। यानी अब जो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का जो एक प्रकार का नाटकीय रूप था, उसका भी लोग विरोध करने लगे थे कि सिर्फ औद्योगिक विकास ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लोगों को खाने पीने के लिए भी चाहिए होता है, सिर्फ मशीनें या कपड़ा है यही हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो जनता थी उसमें अधिकतर किस पर आश्रित थे, कृषि पर आश्रित थे, अधिकतर या अधिकांश जनता कृषि पर आश्रित थी, तो इसके लिए कृषि में सुधार होना आवश्यक था। और इसीलिए क्या है, जो सहयोगी थे वह भी क्या है, अब उनका विरोध करने लगे थे, या पार्टी के लोग भी उनका विरोध करने लगे थे। इसी के कारण स्टालिन और उसके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेलों में या शर्म शिविरों में भेज दिया गया, ठीक है। यानी 1939 आते आते 20 लाख लोगों को या तो सजा दे दी गई, जेल में भेज दिया गया, या शर्म शिविरों में उनको भेज दिया गया। यानी समस्या का हल निकालने के बजाय स्टालिन सरकार जो थी वह क्या कर रही थी, दमन का कार्य कर रही थी, चाहे वो किसानों का दमन था और चाहे उनकी नीतियों के विरोध करने वाले लोगों का दमन था, ठीक है। जिसके कारण लगातार लोगों को नुकसान हो रहा था, ज़्यादातर लोगों में ऐसा कोई अपराध किया ही नहीं था, यानी ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि उनको सज़ा किस बात के लिए दी गई है, वो विरोधी भी नहीं थे स्टालिन सरकार के, लेकिन फिर भी क्या है, उनको समझकर मात्र विरोधी मान कर इस प्रकार की सज़ाएँ स्टालिन सरकार लगातार देती जा रही थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि जो न्याय व्यवस्था थी स्टालिन सरकार में वह भी क्या है, निम्न स्तर की पहुंच चुकी थी, ठीक है। यानी एक औद्योगिक विकास या थोड़े से मजदूरों के लिए रियायती मकान बनाने या शिक्षा सुधार वात्र की जो बातें हमें समाजवाद के निर्माण में या समाजवाद के समाज के निर्माण में हमने पढ़ी थी, वो क्या है, अब कोरी बातें स्पष्ट नज़र से हमें आ रही थी कि समाजवाद का जो विषय था या समाजवाद जितना हमें अच्छा लग रहा था, समाजवाद अपनाने के लिए लोग जिस प्रकार से आतुर थे, वह समाजवाद उनको इस प्रकार से प्रभावित कर रहा था, उनको वह समाजवाद की जो सरकार थी वह लगातार उनका दमन कर रही थी। इसी के कारण क्या है, बहुत से जो विद्वान थे उन्होंने यह भी कहा कि जो समाजवाद है वो मात्र किताबों में ही स्पष्ट पढ़ने हेतु काम में लिया जा सकता है, या किताबों में ही क्या है पढ़ने हेतु अच्छा लगता है, वास्तविकता जो समाजवाद की है वो बहुत ज़्यादा बुरी है या भयाव्य है स्थिति को देखने के बाद, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसके अलावा क्या है, जो 20 लाख लोग थे इसके अलावा बहुत से लोगों को क्या है मृत्यु दंड भी दिया गया, तो न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा बुरी थी। अभी चलते हैं अपने इस जो रूसी क्रांति था उसका वैश्विक प्रभाव क्या रहता है उस पॉइंट के ऊपर, जो चैप्टर का लास्ट पॉइंट है हमारा।
रूस के ऊपर तो प्रभाव हमने देख लिया है कि उनके किसान दुखी हैं, मजदूर वर्ग ज़्यादा कार्य करने के कारण दुखी है, और जो उनकी नीतियों के विरोध कर रहे हैं उनको सजा के कारण वो दुखी हैं, और जो गरीब लोग हैं वो या जो 77 किसान थे वो करों के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन वैश्विक प्रभाव क्या रहता है वो देखते हैं अपने। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था, जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, यानी अन्य समाजवादी विचारक बोल्शेविक शासन पद्धति के विरोधी थे। ठीक है, समाजवादी विचारक थे यूरोप के, या समाजवादी पार्टी के लोग थे यूरोप के अंदर, अन्य पार्टियां जो थी वो इस बातों से सहमत नहीं थे। लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना से ने पूरी दुनिया भर के लोगों में नई उम्मीदें जगा दी थी, यानी जो मेहनतकश लोग थे रूस के, उसके कारण बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जैसे इंग्लैंड में भी हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, यानी इससे रूस के समाजवादी पार्टियों से या समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यूरोप के अन्य देशों में भी क्या है, इस प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियां स्थापित होना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ या USSR, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, के अलावा भी बहुत सारे देशों ने, प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न क्या है भाई, कॉमिंटर्न का जो है वो बोल्शेविकों के द्वारा बनाया गया था, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ था। ठीक है, जो बोल्शेविक समर्थक पार्टियों का महासंघ, उसको क्या नाम दिया जाता था, कॉमिंटर्न। ठीक है, तो कॉमिंटर्न के प्रभाव से भी क्या है, कोई अछूता नहीं रहा था उस समय। इसके कारण क्या है, समाजवाद इसमें हिस्सा लेने, लोग कई पार्टियां इसमें हिस्सा लेने लगी थी। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी, यानी USSR ने क्या है, समाजवाद को पूर्णतः हाईलाइट करके दिखा दिया था कि किस प्रकार से समाजवाद क्या है पूरे विश्व के लिए एक शासन का उच्चतम प्रकार है। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर ही लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा भी है कि जो क्रांति के आदर्श रहे थे, जो रूस के अंदर समाजवाद के जो विषय को पढ़ा जा रहा था, जिस प्रकार से उसको बताया जा रहा था समाजवादियों के द्वारा, उतना वास्तविक रूप में जो रूस के लोग थे उनको नहीं मिल पा रहा था। सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, एक पिछड़ा देश महाशक्ति बन चुका था, उसके देह उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रताएँ नहीं दी जा रही थी, उनको इम्पोर्टेंट जो फ्रीडम चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। दमनकारी नीतियों का को क्या है, बल से लागू किया जा रहा था सरकार के लिए द्वारा, ताकि वो विकास की परियोजनाओं को सही रूप से शासित कर सकें। हालांकि वहां के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। अब जो यूरोप की या रूस के कारण जो आइडियल समाजवाद सभी के सामने नज़र आ रहा था, उसके ऊपर पुनर्विचार किया जा रहा था, क्योंकि जो रूस की आंतरिक स्थिति थी वह लगातार छुपी नहीं रह सकती थी,
उसकी आंतरिक स्थिति का पता चला, किस प्रकार से पूर्ण स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं मिलती है, विकास के नाम पर कुछ दमनकारी नीतियां भी वहां पर लागू होती है, जिसके कारण क्या है समाजवाद के विरुद्ध में भी क्या है बहुत सी नीतियां सामने आई, और उसका एक पक्ष अपने देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूंजीवादी जो लोग हैं या पूंजीवादी विचारधारा हैं वो देश के या बहुत से विश्व के बहुत से देशों में क्या है लागू हो चुकी है और वहाँ लोग प्रसन्न भी है बजाय समाजवाद के। समाजवादी नीति जो है वो एक छोटे से क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रह सकती है, लेकिन एक विस्तृत बड़े देश के लिए या रूस प्रकार जैसे देशों के लिए क्या है अच्छी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ दमनकारी नीतियाँ लागू करना पड़ सकता है समाजवाद को लागू करने के लिए। धन्यवाद।